आज क्या मुद्दा रहा जो आप आए हैं आयुष भवन, थोड़ा विस्तार से बताएं जो दुनिया देखे। आज हम सारे लोग यहाँ पे जो शिक्षक और जो प्राथमिक चिकित्सक हैं, वो सारे अपनी जो हमारी रोजगार के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत जो हमारा आज का मीटिंग रही वो बहुत मीनिंगफुल रही, बहुत अच्छे निष्कर्ष निकल के आए। हमारी कुछ प्रमुख मांगें थी जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस की और उनका एक प्रारूप बनाकर माननीय मंत्री जी को दिया गया, और हमें वहाँ से आश्वासन मिला है कि उन समस्याओं का निराकरण जल्द ही किया जाएगा। और निराकरण के लिए जो समस्याएं हैं मूल रूप से उनको बताएंगे हमारे संस्था के अध्यक्ष। शास्त्री जी आइए, आप समस्याएं आप बताइए। समस्याएं जो नोट आउट किए हैं वो कुछ बता दीजिए। समस्याएं सबसे मूलभूत समस्या तो यही है कि योग और नेचुरोपैथी का कोई रेगुलेशन बोर्ड नहीं है, जो कि हर राज्य में होना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार, योगियों को रोजगार प्राप्त हो सके और कार्य भी योग के क्षेत्र में सुचारू रूप से हो सके। एवं प्राकृतिक चिकित्सा और योग के लिए जो निकाली गई थी 1500 योग वेलनेस सेंटर की योजना की शुरू की गई थी, उसे बीच में रोक दिया गया था। उसके ऊपर हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि भाई क्यों उसको रोका गया, क्या कारण रहा। और इसके बाद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में होना था, वो क्यों रुकवा दिया गया। साथ में हम लोग योग शिक्षकों की मान्यता नहीं प्राप्त है अभी तक, हम लोगों को सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा, हम लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। नेचुरोपैथी BNYS DNYS MA योग कोर्स तो बहुत सारे चला दिए सरकार ने, लेकिन कोर्स चलाने के बाद भी इसका कोई लाइसेंस, कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है। अभी लाखों की संख्या में योग शिक्षक आगे आ रहे हैं, हर वर्ष करीब चार से पाँच लाख योग शिक्षक हर राज्य में, हर यूनिवर्सिटी में का प्रयास है इस क्षेत्र में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें योग के क्षेत्र में वो बढ़ावा दे रही है। साथ में अब देखिए योग के क्षेत्र में मोदी जी का भी इतना सहयोग रहा है शुरू से, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। तो कहीं इसमें हम संगठन का मानना यही है कि कहीं ना कहीं कार्य में रुकावट तो जरूर है, चाहे वो मंत्रालय की ओर से हो, चाहे जो हमारा CCRYN है उसकी जो केंद्रीय परिषद है हमारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा का, वहाँ अवरोध आ रहा हो, चाहे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान से वो योग का इस क्षेत्र में अवरोध आ रहा हो। तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों का यही मानना है कि जो भी कोर्सेस हुए हैं उनका रेगुलेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो और सुचारू रूप से योग शिक्षकों की हर राज्य में भर्ती हो। योग शिक्षकों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात ये है कि जब तक लोग संगठित नहीं होंगे किसी भी क्षेत्र में हो, तब तक कुछ बहुत बड़े स्तर पर कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है आज श्री बाल्मीकि शास्त्री जी ने इतने दूर से आकर और बाकी दूर दूर से आज देखे हैं कि हमारे मित्र, योगी मित्र आए हुए हैं। तो ये जो है ना संघीय शक्ति कलियुगे और युगे युगे की बात हमेशा कही गई है। तो वास्तव में जो लोग असंगठित हैं वो जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक जो है बात पहुंचाई नहीं जा सकती ऊंचे स्तर पर। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं लोग क्षुब्ध है वास्तव में। जो देखे जो वास्तव में जो रूट लेवल पे जो योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो सबको एकजुट करना और एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आना, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना, इसी संबंध में आज ज्ञापन दिया गया और मंत्री जी नहीं थे लेकिन उनसे उनके कार्यालय में ये ज्ञापन दिया गया है। उम्मीद है कि वो शीघ्र ही हम सबकी बात सुनेंगे। और हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है लेकिन वास्तव में हम सब एकजुट होकर अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि जमीनी स्तर पर रूट लेवल पे जो लोग संघर्षशील है योग के क्षेत्र में उनका भला हो सके, समाज का भला हो सके और क्वालिटी पे काम हो सके ना। योग के क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारी चीजें हो रही है लेकिन क्वालिटी बहुत कम्प्रोमाइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जो क्वालिफाइड टीचर्स है, खासकर चाहे नेचुरोपैथी के फील्ड में हो या योग के क्षेत्र में हो, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको जस्टिफाइड आउटपुट मिले, अच्छी जगह उनकी भर्तियां हो। कई बार क्या होता है कि एक एक दो दो महीने की सर्टिफिकेट लेके उनको जॉब मिल जाती है। जो MA और ग्रेजुएशन BSc MSc और PhD करने वाले हमारे जो बहुत सारे युवा साथी हैं वो बेचारे रह जाते हैं। तो ये जो सब चीजें हो रही है, गतिविधि जो नहीं होनी चाहिए, अनियमितता है संस्थाओं में,
वो सब रुकनी चाहिए, इसलिए हम सब लोग एक साथ जुटकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस पे, कुछ विश्लेषण जो आप जानकारी? विशेष तौर पे हमें संगठित होना पड़ेगा, चाहे वो योग वाले हों, नेचुरोपैथ वाले हों, अल्टरनेट थेरेपी वाले हों, सबको एक साथ आना पड़ेगा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। और सरकार से जो भी चीजें सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है वो नीचे तक पहुंचने के लिए, अर्थात आम जनता तक पहुंचने के लिए, योगियों तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद। आपका कुछ कहना? हम यही कहना चाहेंगे कि हम सबको इकट्ठा होना है, संगठित होना है, तभी हम एक रूप दे पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका कोई लाइसेंस नहीं है। अब मैं खुद काम कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ नेचुरोपैथी में, लेकिन मेरा कोई लाइसेंस नहीं है, तो मैं किस आधार पर कार्य कर रही हूँ मुझे नहीं पता। मुझे कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, तो बस हम अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हमें जो चाहिए। बाकी लोग भी आगे आए, जो DNYS हैं, BNY सब लोग आगे आए, ताकि हमें एक नाम मिले, हमें एक एकरूपता मिले। बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। आपका कुछ राय? ये बड़े गौरव का विषय है कि आज सारे योग शिक्षक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लगभग पिछले 3 दिनों से बालमुकुंद शास्त्री जी से बात चल रही है, तो पूरे भारत में शिक्षकों से बात हुई, जिसमें कोई 100-200 शिक्षक नहीं, लगभग 5000 शिक्षकों से सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई है कि जो शिक्षकों में बेरोजगारी फैल रही है। जैसा कि आप बता रहे थे कि हर साल लाखों की संख्या में योग शिक्षक आ रहे हैं और उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आज हम सब ने यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक अपनी मीटिंग की है। और ये अपना मंत्री जी के लिए जो हमारी मांगे हैं वो तैयार की हैं आयुष मंत्री जी को, और आज हम दे रहे हैं। और मैं आशा करता हूं जो हम शिक्षकों की मांगे हैं, आयुष मंत्री जी इनको जरूर सुनेंगे, उन तक ये मांग पहुंचेगी। अगर इन मांगों पर तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो अगले कुछ समय में हमारे योग शिक्षकों ने निर्णय लिया है, हजारों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठे होंगे और एक बार फिर से हम अपनी मांगों को लेकर के आयुष मंत्रालय में आकर के प्रदर्शन करेंगे, ऐसा हम लोगों ने डिसीजन लिया है। अभी विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उन्होंने अपनी मांग रखी है और अपना लेटर यहाँ पर दिया है। अंतिम कुछ शब्द इसमें, हमें हर देश के हर राज्य से, हर योग सेंटर से, योग में जो काफी समय से राज्य स्तर पर लगे हुए थे, मुहिम छेड़े हुए थे, उन संस्थानों का, संगठनों का पूरा सहयोग मिल रहा है। योग महासंघ, योग शिक्षक संघ एवं आपके देव ध्यान साधना केंद्र राजस्थान, हर जगह से हम लोगों को पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है, सब लोग आगे आ रहे हैं। कुछ शब्द आपके? हाँ, मैं सब विश्लेषण हमारा ये है कि मैं सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए, सबका बहुत योगदान रहा, सबने बहुत मेहनत की, सब अपना काम छोड़ के आए। हम लोगों का सुबह और शाम का योगा का काम होता है, शाम के बहुत योगा शिक्षक हैं जिन्होंने अपना काम आज नहीं किया है, और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो न्यू कमर्स हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से, हम लोगों ने आज जो प्रयास किया है, ये हम लोग इसको एक बीजारोपण समझते हैं, बालमुकुंद जी ने बहुत प्रयास किया, सारे लोग जो भी हैं आज मुख्य रूप से प्रयास था बालमुकुंद जी ने किया, वीर जी हुए हमारे, अब से गोपाल भारती जी हुए, हमारे कृष्णा प्रभु जी हुए, और जो भी विभिन्न लोग जो भी अलग अलग प्रांतों से आए हुए, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, जो सारे 60-70 के आसपास लोग आज आए हुए हैं। और बालमुकुंद जी ने लगभग 5000 लोगों से संपर्क किया, उसमें से सब स्टेट के लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पे भेजा है, और सबने आज अच्छी वार्ता रही आज के माध्यम से। आज मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी योग शिक्षक हैं या योग शिक्षकों से जुड़े हुए संगठन हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि सब लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ आएं, हमारी संस्था के साथ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ योगा नेचुरोपैथी के साथ, सारे संगठन एक मंच पर इकट्ठा होकर अगर हम बात अपनी रखते हैं तो हमारी बात और जल्दी सुनी जाएगी, और हम प्रयास करते हैं, सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं, सबसे प्रयास करते हैं, सबसे कहते हैं कि सब लोग एक मंच पर आकर अपनी मांग अगर आप रखेंगे तो हमारी बातें जल्दी सुनी जाएंगी। और जमाना जो है संघे शक्ति कलुगे, संगठन का जमाना है, अगर हम लोग बिखरे रहेंगे, आज हमारा एक संगठन है, 4 संगठन है, 5 संगठन है, अगर हम लोग बिखरे में काम करेंगे तो उतना अच्छे से नहीं सुनी जाएगी। अभी लोग मिलकर संगठन बनाते हैं, हम कहते हैं एक सारे संगठन मिलकर एक महासंगठन बनाया जाए योग का,
और सारे लोग एक मंच पर आकर अपनी बात रखें तो हमें लगता है कि इसी वर्ष में 2019 में जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं वो सारी की सारी समस्याएं हमारी पूरी की जाएंगी। हमारी जो प्रमुख समस्याएं हैं आवश्यक समस्याएं जो अभी लोगों को हमारे योग शिक्षकों को योग के लोगों को जो फेस करनी पड़ रही हैं, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय बनाया, आयुष मंत्रालय को ढेर सारा बजट दिया जाता है, परंतु वो कुछ चंद तथाकथित जो लोग बैठे हुए हैं संगठन में जो कॉकस बैठा हुआ है, जो सिंडिकेट बैठा हुआ है, वो सिंडिकेट सारा का सारा पैसा जो होता है वहीं पर पहुंच के रह जाता है। हमारी मांग ये है कि हम जो जिसके लिए पैसा आता है, जो स्टूडेंट्स के लिए योगा टीचरों के लिए योग शिक्षकों के लिए पैसा आता है वो उन्हीं को मिले, ना कि विभिन्न विभिन्न संस्थाओं को पैसा दे दिया जाए। कुछ कॉकस बना रखा है, कुछ सिंडिकेट बना रखा है कुछ संस्थाओं ने, जो वहीं आके पैसा वहीं आके फेस्ट हो जाता है, वहीं चीजें आके खत्म हो जाती हैं। हमारी जो विभिन्न मांगे हैं वो मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं कि सबसे पहले तो एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर एक वो बनाया जाए, निर्धारण किया जाए, जिसके पदाधिकारी जो हों वो योग से ही जुड़े हुए लोग हों, ना कि आप किसी विभिन्न विभिन्न मंत्रालय के लोग हों या कहीं संगठन के लोग हों, पार्टी के लोग हों, उसके बजाय वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए लोग उसमें सदस्य हों और अध्यक्ष हों। योग वेलनेस सेंटर और योग प्राकृतिक चिकित्सा जो अभी बनाए जा रहे हैं विभिन्न विभिन्न किराए के बिल्डिंगों में या विभिन्न विभिन्न दूसरी जगहों पर बनाए जा रहे हैं। हमारा मंत्रालय से निवेदन है कि इतना अगर आपके पास बजट है तो हर प्रत्येक जिले में जो योग वेलनेस सेंटर खोला जाता है वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही खोला जाए, उसका एक अलग स्थान और उसका एक जगह नियत की जाए। योग के सरकारी और क्षेत्र में जो भी रोजगार होता है उसके लिए एक मिनिमम न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जाए, वो डिग्री या डिप्लोमा हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कुछ नई संस्थाएं से उस QCI हैं तो उसके लिए कुछ हमारी मांगे हैं। उसमें हम ये नहीं कहते हम QCI विरोध करते हैं, QCI के लिए कुछ आवश्यक रूल रेगुलेशन बनाया जाए और उसको तब लगाया जाए। और उसमें उसके अलावा जो QCI के माध्यम से धन का शोषण लोग कर रहे हैं और मतलब QCI को धनोपार्जन का साधन बना लिया है, उसको बंद किया जाए और QCI को सरकार के माध्यम से ही कराया जाए, ना कि उसे प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। उसके अलावा जितने भी योग और प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए नियुक्तियां आती हैं उनको अस्थायी की जगह पर स्थायी किया जाए, ताकि जो हमारे भाई बहन और बंधु हैं उनको स्थायी रूप से रोजगार प्राप्त हो सके। BNYS और DINYS के जो लोगों ने कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन मिले और वो डॉक्टर के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकें। उसके अलावा जो भी CCRNY के द्वारा जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के हॉस्पिटल के लिए पहले अनुदान राशि 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मिलती थी वो बंद कर दी गई है। हमारी प्रमुख मांग है कि उसको फिर से शुरू किया जाए, ताकि जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं वो अनुसंधान पूरा जारी हो सके और योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अन्य विधाओं के बराबर, आयुष मंत्रालय में आपका आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, उसके बराबर ही हम लोगों को भी दर्जा दिया जाए। हम लोग उनसे ज्यादा मात्रा में, हम लोगों ने उनसे ज्यादा मेहनत की और हम लोग उनसे ज्यादा लोगों का भला कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि हमको आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आयुर्वेदा यूनानी सिद्ध के बराबर ही दर्जा दिया जाए, हमारे हॉस्पिटल खुले, हमारे रिसर्च सेंटर को मान्यता दी जाए और हमारे जो योग शिक्षक हैं उनका उचित समायोजन सब जगह किया जाए। कहीं कभी राजनीतिक व्यक्ति का समायोजन न करके योग और नेचुरोपैथी से जुड़े हुए व्यक्ति का ही समायोजन किया जाए। मैं पुनः सभी योग से जुड़े हुए, योग से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, जो योग के संगठन हैं, जो भी और संगठन है जो हमें समर्थन करना चाहते हैं, हम सबका खुले दिल से आह्वान करते हैं हमारे साथ आएं जुड़ें। और जब हम आपस में जुड़ेंगे तो हमारा ही सबका भला होगा, जब सबका भला हो, जब एक साथ सबका विकास होगा तो हमारा अपने आप विकास होगा। धन्यवाद।